नमस्कार दोस्तों। तो माइबॉन फॉर्मवर्क का ड्राइंग देखिए, आप कैसे माइबॉन फॉर्मवर्क सेटिंग करोगे उसका सीरीज में ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आज का वीडियो में हम लोग वॉल पैनल सेटिंग करेंगे। तो वॉल पैनल का डिटेल्स आप लोग को मैं बताता हूँ कैसे सेटिंग करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताए थे A1 जो रूम है, A1 रूम में आप वॉल फॉर्मवर्क कैसे सेटिंग करोगे। हम लोग माइबॉन फॉर्मवर्क में क्या करते, पहले वॉल पैनल सेटिंग करते, उसके बाद बीम पैनल सेटिंग करते, उसके बाद स्लैब पैनल और डेक पैनल सेटिंग करते। पहले अंदर का साइड कर लेते शटरिंग, उसके बाद बाहर का साइड करते, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताए थे अंदर का फॉर्मवर्क कैसे सेटिंग करना है, और A1 यूनिट से शुरू किया था। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग प्लान है टोटल 6 यूनिट है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। लास्ट वीडियो में क्या किया था, A1 यूनिट का आपका वॉल पैनल सेटिंग करना शुरू किया था। तो आज A1 के साथ अटैच देख लो कौन सा रूम है, A3 अटैच है वो भी देखना पड़ेगा किसके साथ कौन रूम अटैच है। यहाँ पे देखो A1 का चार बाजू में आपका कौन सा रूम है। A1 का आपका ए साइड में है A3 और ए साइड में है A5, ठीक है, और ए साइड में है A2, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, A1 साइड का वॉल पैनल सेटिंग किया था, उसके बाद A3 साइड का वॉल पैनल आज सेटिंग करेंगे। चलिए ये तो प्लान है, वॉल प्लान है। हम लोग यहाँ पे कौन सा पैनल यूज़ किया है वो देख सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ से आपको हाइट पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाइट के लिए आपको एलिवेशन देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं एलिवेशन में, A3 का एलिवेशन। A1 का है आपका A1 हो गया। देखो A1 A3 तीन नंबर साइड आप लोग को मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में, ये मोहिनी का ड्राइंग है और इसमें ऐसे नंबरिंग किया है 1 3 5 7, चार साइड का नंबरिंग ऐसे किया हुआ है, ओके। सब कुछ ऑड नंबर है। तो यहाँ पे A3 का तीन नंबर साइड, A3 का तीन नंबर साइड में जाते हैं। देखो हर पल लेफ्ट से राइट घूमते हैं डिरेक्शन माइबॉन फॉर्मवर्क में। हम लोग अभी वॉल पैनल सेटिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बीम है 300x750 का, ओके। यहाँ पे 400x750 का बीम है। तो आपका तीन नंबर साइट बोले तो एक नंबर साइट हो गया, ये तीन नंबर साइट हो गया, ठीक है। तो तीन नंबर साइट में ऑनली बीम ही है, बीम तो मेरे को सेटिंग करना नहीं है हम लोगों को अभी। अभी पांच नंबर साइट में पूरा वॉल पैनल है, पांच नंबर साइट देखेंगे A3 यूनिट का, पांच नंबर साइट A3 यूनिट का पांच नंबर साइट, ओके। ये देखो यहाँ पे जितना भी हैच किया हुआ पैनल है ना, सारे आपका ओल्ड पैनल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओल्ड पैनल और न्यू पैनल मिक्स करके सेटिंग किया है। दोनों फॉर्मवर्क की थे, ओल्ड फॉर्मवर्क और न्यू फॉर्मवर्क, ओके। पहला बोर्ड 400 का, ठीक है। उसके बाद WRB पैनल यूज किया है, ये ओपनिंग है, और वॉल पैनल ऐसे करके सेटिंग किया है, ओके। यहाँ पे IC है, यहाँ पे ऑफसेट है 300 ICPRB 2100 ICPRB, मतलब यहाँ पे देखो ICPRB PRB R, मतलब यहाँ पे राइट पोर्शन,
ये होल का जो डिरेक्शन है ना राइट पोर्शन में रहेगा, ऐसा करके डिनोट किया है यहाँ पे। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का पर्पस के लिए है, लेफ्ट राइट आपको सिलेक्शन करने के लिए है। ओके पहले हम लोग इस सारे वॉल पैनल को सेटिंग कर लेंगे। वॉल पैनल को सेटिंग कैसे करेंगे, पिन पत्ती से ज्वाइन करके हम लोग वॉल पैनल को सेटिंग करेंगे। यहाँ पे साचा देख रहा हूँ, पहले A3 पांच नंबर साइड का वॉल पैनल सेट हो गया अभी। ओके जैसा ड्राइंग में है, तो अभी क्या किया हम लोग, A3 का पांच नंबर साइड सेटिंग किया। सात नंबर साइड में भी वॉल है आपका, सात नंबर साइड भी देख लेते हैं। देखो A3 और A1 दोनों का सात नंबर साइड ए हो गया, सात नंबर साइड। ओके यहाँ पे देखो ऐसे करके जैसा ड्राइंग में दिया हुआ है ऐसे करके आपको सेटिंग करना है। WRP पैनल मतलब इसमें रॉकर रहेगा 50 mm का। ओके हम लोग अभी क्या किया, A1 A3 दोनों यूनिट का वॉल पैनल सेट किया ड्राइंग देखे। अभी A5 का वॉल पैनल सेट करेंगे। A5 का देखो ए साइड बीम है, ए साइड भी बीम है और ए साइड आपका साचा है और ए साइड में वॉल है और ए साइड में वॉल है, तो ये दोनों का सेट करते हैं वॉल पैनल। A5 का ए वाला आपका हो गया एक नंबर और ए वाला तीन नंबर। एलिवेशन में चलो, एलिवेशन में दिखाता हूँ आप लोगों को। A5 कहाँ है, यहाँ पे सब ड्राइंग देख रहे हो ना, सबका एलिवेशन है साइड वाइज। ओके A5 कहाँ है वो दिखाता हूँ, देखो एलिवेशन A5 एक नंबर साइड, A5 एक नंबर साइड में 500x2.50 का पैनल यूज किया है, 300x2100 का पैनल यूज किया है आरकी के साथ यहाँ पे, ठीक है। अरे आरकी अलग से लगा हुआ है, ड्राइंग में आप लोग नोटिस करो अच्छा से तो समझ में आएगा। सारे आपका हो गया A5 एक नंबर साइड, एक नंबर साइड बोले तो ए वाला। ओके A5 का ए साइड का वॉल पैनल सेट हो गया ए साइड का। ओके अभी तीन नंबर साइड में आते हैं, तीन नंबर साइड का वॉल पैनल सेट करते हैं A5 तीन नंबर साइड। देखो A5 तीन नंबर साइड में वॉल पैनल आप कैसे सेटिंग करोगे, ये सारे वॉल पैनल है। आपको एक्चुअली माइबन फॉर्मवर्क में क्या देखना रहता है, तो माइबन फॉर्मवर्क का ड्राइंग तो रीड करना रहता है, आप ड्राइंग एक्चुअली कैसे रीड करोगे यही समझना है आप लोगों को। एक्चुअली माइबन फॉर्मवर्क में ड्राइंग रीड करना बहुत ही आसान है। ओके तो अगर सीखने का आप कोशिश करोगे तो आसान है, अगर नहीं कोशिश करोगे तो जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। देखो माइबन फॉर्मवर्क सेटिंग होता है एक्चुअली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और साइड वाइज सेटिंग होता है माइबन फॉर्मवर्क। तो माइबन फॉर्मवर्क सेटिंग करना इजी है, तो आपको पहला देखना रहेगा कौन सा साइड का क्या नंबरिंग है। ओके तो वो पैनल को आप सेटिंग करते करते इजीली आसानी से सीख जाओगे, तो एक कौन सा साइड का पैनल है और पैनल कैसे लगेगा। ओके आपको सेटिंग करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ जस्ट। ओके और कुछ नहीं, तो सीखने का है आप लोगों को, जस्ट एक गाइड कर रहा हूँ सिंपल। देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ माइबन फॉर्मवर्क
का ड्राइंग रीड करना बहुत ही आसान है। तो आप लोग कैसे बोलोगे आया आसान है? तो सुन लो आप लोग, तो आप जो यूनिट पे खड़ा हो वो यूनिट का पहले नाम क्या है वो देखना है आपको। उसके बाद आपका माइबॉन फॉर्मर जो सेटिंग होता है ना, एक्चुअली साइड वाइज सेटिंग होता है। यहाँ पे साइड का नाम रहता है और वो साइड का अनुजाई सेटिंग होता है। आपके पास ड्राइंग जब मिलता है तब उसी टाइम ड्राइंग में एक डायरेक्शन दिया रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा है और ड्राइंग को रीड करना है। मत एक्चुअली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपका साइड वाइज डायरेक्शन घूमते। मान पहले आपको क्या रहेगा, वॉल पैनल को सेट करना रहता है, उसके बाद आपका बीम पैनल को सेट करना रहता है, उसके बाद बीम बॉटम, उसके बाद आपका स्लैब पैनल, उसके बाद आपका आउटर का सेटिंग करना रहता है। आउटर कैसे सेटिंग करोगे, आप वॉल टाइल लगवा के आउटर का सेटिंग करना है, ठीक है। आउटर का काम करने के लिए आपको सेफ्टी प्लेटफॉर्म चाहिए, और सेफ्टी प्लेटफॉर्म में वहीं पे जाने के लिए आपको सेफ्टी बेल्ट जरूर चाहिए, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, ये सारे प्रिकॉशन लेके आउटर में काम करना है आपको। ओके, तो ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जस्ट आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखिए, ये सारा काम पे आएगा। तो माइबॉन फॉर्मर सेटिंग करना आसान है, इतना कठिन नहीं है माइबॉन फॉर्मर सेटिंग करना, ठीक है। आपको तो पहले माइबॉन फॉर्मर में जितना भी कंपोनेंट यूज हो रहा है कंपोनेंट को पहचानना पड़ेगा। तो अगर आप कंपोनेंट को पहचान जाओगे तो इजीली सेटिंग कर पाओगे आप माइबॉन फॉर्मर, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या रहता है, वॉल पैनल सेटिंग करना रहता है, ठीक है। लेवल चेक करने के बाद ये भी बोल रहा हूँ, माइबॉन फॉर्मर जो फ्लोर में सेटिंग कर रहे हो वो फ्लोर का लेवल चेक करने के बाद ही आपको ये सेटिंग करना रहेगा, ठीक है। वॉल पैनल लेवल चेक करने के बाद वॉल पैनल सेटिंग करना रहेगा, ओके है ना। तो एक्चुअली प्लान देखना है आपको, वॉल पैनल सेटिंग करने के लिए प्लान देखने के बाद आपको एलिवेशन में जाना है, और एलिवेशन में आपको साइड देखना है कौन सा साइड में कौन सा पैनल यूज़ किया गया है, ठीक है। पहले वॉल पैनल सेटिंग करना है, उसके बाद वॉल टॉप पैनल सेटिंग करना है, उसके बाद बीम का ऑफसेट वगैरह जो भी रहेगा SX बोलते हैं उसको, SX सेटिंग करना है, उसके बाद आपका बीम का साइड पैनल सेटिंग करना है, उसके बाद SL सेटिंग करना है, SL सेटिंग करके आपको डेक पैनल सेटिंग करना है, ठीक है। डेक पैनल सेटिंग करने के बाद आपको बाहर में काम करना है। तो बाहर में कैसे काम करोगे, आप वॉल टाइल लगवा के बाहर का सारे पैनल सेटिंग करना है, ओके। सेटिंग करने के बाद कीकार लगाना है, उसके बाद आपको कास्टिंग करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ बीम पैनल कैसे सेटिंग करते हैं, सारे का वॉल पैनल तो ऐसे सेटिंग करते हैं, आपको पता चल गया अभी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया है मैंने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 लेके।